नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम मिथुन राशि के जातक और जातिकाओं के 45 गुण और अवगुण बताने वाले हैं। आज तक आपने किसी भी ज्योतिष चैनल पर 45 गुण ना तो सुने होंगे और ना देखे होंगे। आज हम बहुत ही बारीक ऐसे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मिथुन राशि के जातक और जातिकाओं के लेकर आए हैं 45 गुण और अवगुण। वो कौन कौन से हैं इस बारे में बड़े विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञान वर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। दोस्तों, इस ऑडियो वीडियो को आप अंत तक देखना, इसमें आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई हर बात मिलेगी, हर समाधान मिलेगा और आपको अपने चरित्र व्यवहार के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होंगी। ना किसी ज्योतिष के पास जाना है, सिर्फ इस ऑडियो वीडियो को अपने फोन में लोड रखें, सेव रखें, जब भी आपको जरूरत पड़े इस ऑडियो वीडियो को चलाइए और जो भी आपको पूछना है इस वीडियो में वो सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, जिस जातक के नाम का इनमें से पहला अक्षर आता है तो समझो कि उसकी 100% मिथुन राशि है। जैसे क, की, कु, घे, डे, छे, के, को और है, ये 9 अक्षर मिथुन राशि के नाम के होते हैं। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि मानी जाती है। स्वामी इसके बुध होते हैं, बाय इसके तांबे के देखने को मिलते हैं। शुभ रंग इसके लिए संतरे, हरा और पीला, नींबू के जैसा शुभ माना जाता है। शुभ रतन पन्ना माना जाता है। इनके लिए सप्ताह के 7 दिनों में से बुधवार का और शुक्रवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। इनको हमेशा जो व्रत उपवास करना है तो बुधवार का करना चाहिए। जीवन में जो शुभ अंक होते हैं 3, 5, 6, 12, 14 और 15, इनको शुभ दान बुधवार के दिन करना चाहिए। जैसे मूंग की दाल, कांसे के बर्तन, सोना, घी, हाथी के दांत, हरा वस्त्र, हरी मणि, हरा फूल, हरे फल, मिश्री और खांड, कपूर जैसे वस्त्र दान करने से इनका जीवन और भी सफल हो जाता है। जीवन के जो सबसे शुभ वर्ष माने जाते हैं जिनमें इनको मन चाही सफलताएं मिलती है और मन चाहे सपने पूरे होते हैं, तो वो वर्ष कौन कौन से हैं? 5, 14, 23, 32, 41 और 59, ये वर्ष मिथुन राशि के जातक और जातिकाओं के लिए जीवन में बड़े ही शुभ और फलदायक होते हैं। मिथुन राशि की जो मित्र राशियां होती हैं, वृषभ, सिंह और तुला होती है। शत्रु राशि इसकी कर्क मानी जाती है। बाकी सभी राशियां सामान्य राशि मानी जाती है जो व्यवहार पर चलती है। जैसा आपका व्यवहार होगा वैसा ही अगला वाला करेगा। मिथुन राशि के इष्ट देवता श्री विष्णु भगवान होते हैं। इनको श्री विष्णु भगवान की पूजा करने से बहुत जल्दी मन चाहा फल मिलता है। दोस्तों, ये तो मैंने बताई है मिथुन राशि के जातक और जातिकाओं की छोटी छोटी जानकारियां जो भविष्य में कभी ना कभी जरूरत पड़ती रहती है। मिथुन राशि के जातक और जातिकाओं के 45 गुण और अवगुण कौन कौन से हैं ये अब विस्तार से सुनिए। सबसे पहला गुण, मिथुन राशि के जातक और जातिकाओं को हमेशा पश्चिम दिशा से ही लाभ होता है। चाहे नौकरी करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, उद्योग धंधे कुछ भी लगाइए, अन्य दिशाओं में किया हुआ कार्य कोई भी सफल नहीं हो सकता। नंबर 2, मिथुन राशि के जातक और जातिकाओं का मन का भेद पाना बड़ा मुश्किल होता है। इनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये कब और किस वक्त अपना मूड बदल ले। नंबर 3, मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं शिक्षा के मामले में बहुत अच्छे पाए जाते हैं और इनका शिक्षा के मामले में सबसे अलग महत्व देखने को मिलता है। नंबर 4, मिथुन राशि के जातक और जातिकाओं के बुद्धि कौशलता के सभी प्रशंसक होते हैं।
और इनके अंदर ये एक सबसे बड़ा विशेष गुण माना जाता है, ये दोहरा जीवन भी व्यतीत करते हुए देखे जाते हैं। नंबर 5, मिथुन राशि के जातक और जातिकाए बहुत गहरा से गहरा मजाक कर जाते हैं। इनको ये पता नहीं होता कि अगले व्यक्ति को कब अच्छा और कब बुरा लग जाए। नंबर 6, मिथुन राशि के जातक और जातिकाए कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर तिल का पहाड़ बना देते हैं, बड़े बड़े झगड़े पैदा कर लेते हैं, जिनके कारण इनके संबंध टूट जाते हैं और अगले वाले व्यक्ति इनसे बहुत जल्दी किनारा कर लेते हैं। ऐसा एक बार नहीं, जीवन में कई बार देखने को मिलता है। नंबर 7, मिथुन राशि के जातक और जातिकाए स्थिर विचार वाले व्यक्ति देखने को मिलते हैं। इनके विचारों में तेजी से परिवर्तन आता है, जिसके कारण अगले वाले व्यक्ति इन पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अगर मिथुन राशि के जातक और जातिकाए आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। नंबर 8, मिथुन राशि के जातक और जातिकाए कभी कभी किसी कार्य से बहुत जल्दी थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, जिनके कारण इनको जीवन में असफलताएं प्राप्त करनी पड़ती। नंबर 9, मिथुन राशि के जातक और जातिकाए जिससे लगाव मान लेते हैं, जिससे प्रेम कर बैठते हैं, जिससे दोस्ती कर बैठते हैं, मन से हृदय से उसके लिए कुछ भी कर जाते हैं, अगले वाले से इनका बाई चांस किसी वजह से रिश्ता टूट जाता है तो ये खून के आंसू रोते हैं, बहुत ज्यादा दुखित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में चले जाते हैं। नंबर 10, मिथुन राशि के जातक और जातिकाए हर कार्य में फायदा देखते हैं, क्योंकि हर कार्य के पीछे इनका कोई ना कोई बड़ा मकसद होता है, जिसे पूरा करने के लिए संघर्ष पे संघर्ष करते हुए भी देखे जाते हैं। नंबर 11, मिथुन राशि के जातक और जातिकाए 35-36 वर्ष की आयु के बाद थोड़े चिड़चिड़े, क्रोधी और कमजोर से देखने को मिलते हैं। ये किसी से बात भी करते हैं तो बहुत जहरीले शब्दों में करते हैं, अगले वाले को बुरा लग जाता है, इसलिए इनसे फिर रिश्ते नहीं बन पाते हैं, अच्छे व्यवहार नहीं बन पाते हैं, इनसे व्यक्ति मिलना और जुलना इनके पास आने में भी कतराने लगता है। नंबर 12, मिथुन राशि के जातक और जातिकाए कभी कभी कोई कार्य बिना सोचे भी करने लग जाते हैं, जब उस कार्य को करने लगते हैं तो उसे बहुत ज्यादा मायूस होकर करते हैं, बहुत ज्यादा उदास होकर करते हैं, जैसे इनका दिल टूट जाता है, जैसे इनसे कोई जबरदस्ती कराता है, शुरू आप करते हैं और आप परेशान रहने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थितियां इनके साथ कई बार जीवन में देखने को मिलती है। नंबर 13, मिथुन राशि के जातक और जातिकाए कभी कभी बहुत ज्यादा स्वार्थी भी देखने को मिलते हैं, जिनके कारण इनके बने बनाए रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है और वो टूट जाते हैं। नंबर 14, मिथुन राशि के जातक और जातिकाओं को हमेशा ज्यादातर जीवन में सर की पीड़ा रहती है, सर दर्द की पीड़ा रहती है, सर से जुड़ी हुई जीवन में समस्याएं देखने को मिलती है। नंबर 15, मिथुन राशि के जातक और जातिकाए कभी कभी किसी कार्य को तेजी से कर देते हैं और फिर उसे ढीलापने में छोड़ देते हैं, उसमें ढील कर देते हैं, फिर पता नहीं उसमें कितना समय लगे उसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। नंबर 16, मिथुन राशि के जातक और जातिकाए कभी कभी आलस्य के कारण, लापरवाही के कारण बड़े बड़े अवसरों को खो देते हैं, ज्यादातर पुरुषों में यह देखने को मिलता है। नंबर 17, मिथुन राशि के जातक और जातिकाए कभी कभी छोटी छोटी बातों को अपना बहुत बड़ा अवसर समझ लेते हैं और आसपास के लोगों में ही बड़े खुश रहना पसंद करते हैं, आसपास के लोगों में ही अपनी सफलताएं देखते हैं, अपनी मंजिल देखने लग जाते हैं, सोचते हैं कि यही मुझे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, इसलिए कभी कभी संकट में फंस जाते हैं। नंबर 18, मिथुन राशि के जातक और जातिकाए कभी कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी हो जाते हैं, अगले वाले व्यक्ति सोचते हैं कि पता नहीं सारी दुनिया का बोझ ये सर पे लिए डोल रहे हैं, यानी कि सारी दुनिया की जिम्मेदारी जैसे ये ही निभा रहे हैं। नंबर 19, सबसे बड़ा गुण मिथुन राशि के जातक और जातिकाओं के अंदर ये होता है
कि ये कभी कभी बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके अगले वाले व्यक्ति को अपनी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित कर लेते हैं और उसे अपना बनाने में ये बड़े ही माहिर होते हैं। 20 मिथुन राशि के जातक और जातिकाओं की आंखें थोड़ी मोटी देखने को मिलती है, इनमें थोड़ी ललामी होती है और ये दिमाग के बहुत तेज मिलते हैं और ये कुशल राजनीतिक भी देखने को मिलते हैं। नंबर 21 मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं शरीर से मेहनत करना कम पसंद करते हैं और दिमाग से काम ज्यादा लेना इनका एक विशेष गुण माना जाता है। नंबर 22 मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं ज्यादातर पुरुष कभी कभी कई कई कार्यों को शुरू कर देते हैं, कई कई रोजगारों को अंजाम देने की कोशिश कर देते हैं जिनके कारण थक हार कर ये सबको छोड़ देते हैं और जीवन में जो सफलता मिलती है वो भी डूब जाती है, नहीं मिल पाती है और ये ज्यादातर एक कार्य पर कभी निर्भर नहीं रहते, रोजगारों को बदलते रहते हैं, इसलिए इनको जीवन में कई बार असफलताओं का मुंह भी देखना पड़ता है। नंबर 23 मिथुन राशि के जातक और जातिकाओं का विवाह संबंध बहुत ज्यादा कलहपूर्ण भी देखने को मिलता है और खासकर पुरुषों के लिए जीवन में लव लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां रहती हैं। मंजिल तक जाने से पहले ही दिल टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है, जिसके कारण इनको बड़ा दुखों का सामना करना पड़ता है। ये मन ही मन में उस बात को लेकर घुटते रहते हैं, ये आसानी से अपनी बात किसी को नहीं बताते हैं। नंबर 25 मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं ज्यादातर घर में कम और बाहर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी भीड़ में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 26 मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं शॉपिंग करना, नई नई वस्तुओं की खरीदारी करना, लंबी लंबी यात्राएं करना, घूमना फिरना इनको बहुत ज्यादा पसंद रहता है। कभी कभी बहुत ज्यादा सामाजिक हो जाते हैं, दान पुण्य भंडारे में भक्ति भाव में बहुत ज्यादा समय देते हैं, योगदान देते हैं और कभी कभी ये बहुत छोटे छोटे पाप भी कर जाते हैं। नंबर 27 मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं नई नई पुस्तक करना, ज्ञान की खोज करना, नई नई बातों को हासिल करना इनका एक विशेष गुण भी माना जाता है। नंबर 28 मिथुन राशि के जातक और जातिकाओं के दोस्ती के रिश्ते या सभा में उठने बैठने के रिश्ते, यानी बाहर भीतर उठते बैठते हैं, संबंध होते हैं, प्यार होता है, मोहब्बत होता है, तो ये इनके ज्यादा दिन नहीं चल पाते हैं। ये बहुत जल्दी जैसे मिलते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं, वैसे ही इनके रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि इनके विचार और लोगों से सबसे अलग होते हैं, तो अगले वाले व्यक्ति इनको विचारों को देखते हुए इनसे दूर हो जाते हैं, इसलिए इनके रिश्ते ज्यादा देर तक ज्यादा लंबे नहीं चल पाते हैं। मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं धन संबंधित कार्यों में बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं और मिथुन राशि के जातक और जातिकाओं को ज्यादातर 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में ही सफलताएं हासिल हो जाती हैं। नंबर 30 मिथुन राशि के जातक और जातिकाओं को गायन वादन गीत संगीत में बहुत ज्यादा रुचि देखने को मिलती है और इनसे बहुत ज्यादा ये लगाव रखते हैं। नंबर 31 मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं थोड़े से शक मिजाज भी होते हैं, यानी अपने रिश्तों पर चाहे लव पार्टनर हो या जीवन साथी हो या अदर परिवार में कोई भी इनको प्यारा हो तो ये कभी कभी शक की नजर से देखते हैं, जिनके कारण इनके रिश्तों में खटास उत्पन्न होने लगती है। नंबर 32 कुंभ राशि के जातक और जातिकाएं देखने में बहुत ही सुंदर स्मार्ट होते हैं, सुशील होते हैं, मनमोहक होते हैं, ये दूसरों का दिल बहुत जल्दी जीत लेते हैं और अपने और ये गुण इनके अंदर विशेष देखने को मिलता है। नंबर 33 मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं कभी कभी बहुत ज्यादा मिलनसार भी देखने को मिलते हैं और जीवन का आनंद लेते हुए इंजॉय करते हुए जीवन यापन करते हैं और थोड़े से गंभीर भी देखने को मिलते हैं। नंबर 34 मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं बहुत ज्यादा किसी न किसी कार्य को लेकर बिजी रहते हैं
ये जीवन में वकील, न्यायाधीश, पत्रकार, टीचर, राइटर, डायरेक्टर, संगीतकार और बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे प्रवक्ता भी देखने को मिलते हैं। इनके पास समय नहीं होता है, वरना ये दूसरे व्यक्ति को समझाने में बहुत समय लगाते हैं। नंबर 35, मिथुन राशि के जातक और जातिकाओं को कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, चाय, फ्रिज का बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना इनके लिए हानिकारक होता है, इनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। इनको हमेशा जीवन में ज्यादातर अखरोट बादाम का सेवन करना चाहिए, जिससे इनका शरीर पुष्ट और बलवान और स्वस्थ हमेशा बना रहे। नंबर 36, मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं दिल के मजबूत होते हैं, कठोर भी होते हैं और शरीर से बलवान भी होते हैं, लेकिन जब अगला वाला इनको व्यक्ति अच्छा बुरा कहता है, ये उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, तो इस बात को लेकर अगला वाला व्यक्ति इनको कमजोर समझने लगता है। इनको कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये बहुत ज्यादा दयालु भी और बहुत ज्यादा गंभीर भी होते हैं, इसलिए दूसरे की बातों को ये सुनते रहते हैं, मजाक में ले जाते हैं, लेकिन जब जिद पर आते हैं तो जवाब देना भी अच्छी तरह जानते हैं। ये इनके अंदर ये गुण भी विशेष देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा गुण होता है। नंबर 37, मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं कभी कभी अपनी बात पर अडिंग हो जाते हैं, ये अपनी बात के लिए या तो मर सकते हैं लेकिन झुकना पसंद नहीं करते। ये अपने मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं थोड़े से जिद्दी और हटी भी देखने को मिलते हैं, और इनके अंदर एक विशेष गुण यह भी मिलता है कि दूसरे व्यक्ति से अपना काम निकालने में बहुत ही माहिर होते हैं। नंबर 40, मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं छोटी सी उम्र से ही बहुत ज्यादा संघर्ष करना शुरू कर देते हैं और धन कमाने के नए नए रास्ते ढूंढ लेते हैं। 41, मिथुन राशि के जातक और जातिकाओं के तालमेल बड़े बड़े धनवान लोगों से देखने को मिलते हैं, सरकारी कर्मचारियों से मिलते हैं, बड़े बड़े नेताओं से देखने को मिलते हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट कलाकारों से भी इनके संबंध जीवन में देखने को मिलते हैं। नंबर 42, मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं मध्यम जीवन व्यतीत करते हुए देखे जाते हैं, इनके जीवन में सुख और दुख बराबर का होता है, इनके जीवन में धन तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, खर्च बहुत ज्यादा होता रहता है, इसलिए इनका जीवन मध्यम गति से चलता रहता है। लेकिन जिनकी कुंडली में सस्योग होता है, राजयोग होता है, यानी आदि एक्स वाई जेड कोई भी बड़े योग होते हैं, वो बहुत ही बड़े धनवान यानी कि विश्व में नंबर वन धनवान होते हैं, या फिर बिल्डर्स होते हैं, या फिर देश के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति भी देखने को मिलते हैं। नंबर 43, मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं नमकीन, पकवान, तली हुई चीजें बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं। नंबर 44, मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं हर गुणों से संपन्न देखने को मिलते हैं, इनको जीवन में कई बार बिना मेहनत का, बिना कमाया हुआ पैसा भी, धन भी मिलता है। नंबर 45, मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं किस्मत के बहुत बड़े धनी होते हैं, इनके हर कार्य होते हैं लेकिन धीरे धीरे होते हैं, कभी कभी इनके ऐसे कार्य भी जीवन में बनते हैं जिनकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की, ऐसे ऐसे कार्य भी इनके अचानक बन जाते हैं। नंबर 46, मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं थोड़े से नटखट, छलिया, अपने परिवार के प्यारे, खासकर अपनी माता जी के प्यारे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये थे मिथुन राशि के जातक और जातिकाओं के 45 गुण और अवगुण, लेकिन फिलहाल मैंने 46 गुण बताए हैं। दोस्तों, मैं आपके और भी सैकड़ों गुण अवगुण बता सकता हूं, लेकिन मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। और ये जो गुण और अवगुण मैंने आपको बताए हैं, यदि इनमें से एक भी झूठा हो और या सारे सत्य हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करना। और मेरा सभी से हाथ जोड़कर एक निवेदन ये है कि यदि मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से आपके दिल को
दुख पहुंचा हो तो मैं साथ साथ आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं आपका भाई हूं, आपका साथी हूं, आपका दोस्त हूं, किसी का बेटा हूं तो किसी का बड़ा भाई भी हूं, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। लेकिन मित्रों, मेरी आदत है कि मैं जब भी बोलता हूं सत्यापित बोलने की कोशिश करता हूं, और मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि आप जब तक सच्चाई का सामना नहीं करोगे जीवन में सफलताएं प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए सच्चाई को सच्चाई और झूठ को झूठ कहना सीखो। और एक खास बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग शत्रु राशियों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरी पत्नी की शत्रु राशि है, या मेरे पति की शत्रु राशि है, या मेरी बहन की परिवार में शत्रु राशि है, माता की है, पिता की है। तो ऐसा कभी ना सोचे, जो परिवार में सदस्य होते हैं उनकी आपस में कोई भी शत्रु राशि या सामान्य राशि नहीं मानी जाती है, सभी राशियां शुभ मानी जाती हैं। तो ये शंका आप दिमाग से निकाल दीजिए। जो परिवार वाले सदस्य होते हैं उनसे अदर जो भार वाली राशियां होती है उनसे थोड़ा सचेत रहिए। शत्रु है तो शत्रुता उनके साथ अवश्य होगी, उनसे थोड़ा बचाव रखिए। सामान्य राशियां हैं आपके लिए, उनसे आप व्यवहार पर ही अपना जीवन चला सकते हैं, उनसे व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में किसी भी समस्या का समाधान कराना है या अपनी जन्म कुंडली हस्तक रेखा मस्तक रेखा दिखवानी है तो आप हमसे संपर्क करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल भेजें। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, हमारे इंडिया में कुंडली देखने की और कुंडली बनाने की 2100 रुपये फीस होती है और विदेशों में हमारी 5100 रुपये फीस होती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं पंडित राजगुरु शर्मा अपनी वाणी को देता हूँ विराम। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों को, मेरी माता बहनों को जय हिंद, जय भारत।